ये है ब्रेड और आलू की चटपटी टिक्की। देखते हैं इसको तोड़कर। वाह, कितनी करारी बनकर तैयार हुई है ये देखिए। आलू ब्रेड की टिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ 10-12 ब्रेड लिए हैं। ये 2 आलू लिए थे, इनको उबालकर कद्दूकस में कस लिया है। ब्रेड को मुझे मिक्सी में पीसना है, इसका सूखा चूरा बनाना है। हम सारे ब्रेड को इस मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। जो ब्रेड हमारे बचे थे उनको भी हम इसी तरह से पीस लेते हैं। सारे ब्रेड हमारे पीस चुके हैं और इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं सभी ब्रेड। ये देखिए, ब्रेड का मैंने चूरा बना लिया है और जो आलू मैंने कद्दूकस से कस के रखे थे वो भी हम इसी में डाल देते हैं। ये आलू भी हम इसी में डाल देते हैं और ये कुछ मैंने मसाले लिए हैं। ये 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पिसा हुआ, 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। इन सभी मसालों को हम इसमें मिक्स कर देते हैं। ये एक मीडियम साइज की प्याज ली थी मैंने, इसे बारीक कट कर लिया है। ये भी इसी में डाल देते हैं। ये 3 हरी मिर्च, इसे भी काट लिया बारीक। ये सारे ही मसाले हम इसमें डाल देते हैं। ये 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे बारीक दरदरा मैंने कूट लिया है। ये सब इसी में मिक्स कर देते हैं। ये हरा धनिया थोड़ा सा, इसको भी बारीक कट कर लिया। और ये 5-6 चम्मच बेसन है, ये बाइंडिंग के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें। आप चाहें तो चावल का आटा भी डाल सकती हैं, मैं बेसन डाल रही हूँ इसमें। ये बेसन भी हम इसमें डाल देते हैं। अब डालते हैं इसमें नमक, आप जितना चाहें नमक अपने हिसाब से रख सकती हैं। मैं 1 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/2 चम्मच और डाल देती हूँ। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम अच्छे से, इसका एक हमें डो तैयार करना है। और ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि आलू हमारे पहले से ही गीले थे, उन्हीं आलूओं में हमने इसे मिक्स किया है। ये देखिए कितना बढ़िया डो बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसकी टिक्की बना लेते हैं। आप चाहें इसे टिक्की के शेप में बना लें, मैं इसके गोले बना रही हूँ। थोड़ा सा मैंने हाथ पे ऑयल लगा लिया चिकना करने के लिए ताकि ये चिपके ना। मैं छोटे छोटे इसके बॉल्स बनाऊंगी, बॉल्स जिस कहते हैं बॉल्स। ये छोटे छोटे इसी तरह से बॉल्स बनाऊंगी, ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। आप चाहें तो टिक्की बना लेना, मैं भी टिक्की भी थोड़ी टिक्की भी बना लूंगी, थोड़े गोले भी बनाती हूँ बॉल्स टाइप में। ये हमारी टिक्की बनकर तैयार हो चुकी हैं। कुछ मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं और कुछ इनको मैंने गोल शेप में बनाया है। फ्राई करने से पहले जो मैंने ये ब्रेड का चूरा बनाया था वो चूरा मैंने थोड़ा बचा लिया था, इन टिक्कियों के ऊपर डाल देती हूँ। इससे ये क्रिस्पी करारी बनेंगी। ऑयल हमें ज्यादा ही लेना है क्योंकि ये ज्यादा ही ऑयल में तली जाएंगी। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें मैं ये गोला डालकर देखती हूँ। हमें इसे मीडियम ही फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं करना है, मीडियम ही फ्लेम पे ये अंदर तक सिक जाएंगे। ये गोले मैं इसमें डाल देती हूँ और ये मीडियम ही फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, ज़्यादा तेज फ्लेम नहीं करना है गैस का, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और इसे जल्दी चलाना भी नहीं है, ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए फिर इसे हमें लोटपोट करना है। ये देखिए इनका कलर गोल्डन हो चुका है एक तरफ से, अब मैं करछली की मदद से इसे पलट देती हूँ, इसे लोटपोट कर लेती हूँ। जो मैंने गोला पहले डाला था उसका कलर देखिए कितना बढ़िया हुआ है, ये देखिए।
ये गोले हमारे अच्छे से सिक चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वाओ, कितने बढ़िया बनकर तैयार हैं बॉल्स। अब हम इसी तरह से ये टिक्कियां भी इसी में फ्राई कर लेते हैं। ज्यादा नहीं डालूंगी मैं, चार चार टिक्कियां ही डालूंगी और इसे मीडियम ही फ्लेम पे फ्राई करना है, ज्यादा तेज फ्लेम नहीं करना। ये एक तरफ से हमारी टिक्की सिक चुकी है, अब इनको मैं पलट देती हूँ। ये देखिए टिक्की हमारी दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है, कितना बढ़िया कलर आया है इनका। और इसी तरीके से इन टिक्कियों को भी हम सेक लेते हैं।